कोर्ट परिसर में वकील ने की खुदकुशी, बिल्डिंग से कूदकर वकील ने खुदकुशी की है। एसएसपी और सिटी एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। आत्महत्याओं की वजह का पता नहीं चल पाया है। तो कोर्ट परिसर में ही वकील की तरफ से आत्महत्या की गई है। तो एसएसपी और सिटी एसपी मौके पर मौजूद, जो मौके का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि अभी तक खुदकुशी के पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं हो पाई है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में बिल्डिंग से कूदकर वकील ने खुदकुशी की है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं है कि आखिर किसने वकील को मजबूर किया इस तरह का कदम उठाने को। तो फिलहाल मौके का मुआयना करने के लिए सिटी एसपी और एसएसपी मौके पर मौजूद, जो लगातार तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और राजू श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजू, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, कुछ अभी तक पता चल पाया वकील की खुदकुशी के पीछे वजह? देखिए, ये जहां से खुदकुशी की गई है, सुसाइड करने की गई है, वहां ये 9 तल्ले की ये बिल्डिंग है। नई इमारत बन रही थी कचेरी परिसर में, जिसपे से कूद कर खुदकुशी करने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। फिलहाल कुछ सीसीटीवी फुटेज वाराणसी एसएसपी के हाथ में है, जिसमें ये साफ जाते हुए सुबह 8:00 पर ये कचेरी परिसर में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जो बिल्डिंग बन रही, निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, उसके चपरासी से उन्होंने गेट भी खुलवाया है और एक उनके साथी भी साथ में थे जी। तो फिलहाल अभी उस साथी से कोई पूछताछ यहाँ पर राजू, उनकी भी पुलिस खोजबीन कर रही है, क्योंकि जिस तरीके सीसीटीवी फुटेज के बाद सीसीटीवी फुटेज में वो साथ में जाते हुए दिखे हैं, उसके बाद से वो नीचे गिरे हुए मिले, इस सारे पहलुओं पर अभी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, इन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है राजू, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसलिए ज्यादा खड़ा हो जाता है क्योंकि कोर्ट परिसर में ये पूरी घटना हुई है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और आए दिन जिस तरह से कोर्ट परिसर में सामने आती है घटनाएं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जाहिर तौर पर सुरक्षा में बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कोर्ट परिसर की। देखिए, कहीं ना कहीं ये तो बड़ी एक सवाल तो खड़ी हो गई है कि सुरक्षा व्यवस्था का ही दावा करने वाली वाराणसी पुलिस कोर्ट परिसर में कोई आता है कचेरी परिसर में और उसके बाद सुसाइड कर लेता है, या उसकी उसे मारने का प्रयास किया गया है, या क्या है, ये सारी चीजों पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था, वो कहाँ थे वो सुरक्षा कर्मी जिनकी सुबह 6 बजे से ड्यूटी यहाँ तैनाती की गई है, वो कहाँ थे जब इतनी बड़ी घटना हुई कचेरी परिसर में जी। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बिल्डिंग से कूदकर वकील ने खुदकुशी की है।